अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 अगस्त का मंथ लियो से लेके कैप्री स्कॉर्पियो वालों तक के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, ये इससे पहले मैंने एरीज से लेके कैंसर का बताया था, अब मैं लियो से लेके स्कॉर्पियो तक का बताऊंगा, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ लियो वालों का जो अगस्त का मंथ है ये कैसे जाने के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ खास कहूँगा कि आपका लगन का जो प्लैनेट लॉर्ड है सन, वो 12वें घर में चल रहा है। ये इस टाइम इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती, खास तौर पे 18 अगस्त तक ये थोड़ा सा तरह स्ट्रेसफुल पोजीशन है, क्योंकि 12वां घर सन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, सन हो, जुपिटर हो, मार्स हो, सिवाय वीनस को छोड़ के। वीनस को कहते हैं कि 12th हाउस में अच्छी मानी जाती है। आपका सन चल रहा है 12वें घर में, मतलब लगन का मालिक चल रहा है 12वें घर का। इसका मतलब ये होता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, कर्जों में हो सकता है मुब्तला हुए हुए हों, आपके ऊपर एक बाहर का स्ट्रेस और एक इंटरनली स्ट्रेस आपके ऊपर दोनों चल रहा होगा। हो सकता है आपके हॉस्पिटल या दवाइयों में भी पैसे खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, मतलब ये जो फेस है आपका इतना अच्छा नहीं है। अब खैर, बात हो रही है 17 मतलब 18 अगस्त के बाद से आप लोगों का बहुत मजबूत जायचा हो रहा है, क्योंकि आपका लगन का मालिक भी ट्रांजिट मूव कर रहा है, लियो में सन खुद आ रहा है। खैर, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब ये लियो में सन आता है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अपने घर में आ रहा है। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत जबरदस्त निखार आएगा, आप लोगों की आपके जो भी काम है, आपके चाहे वो बिजनेस है या जॉब है, उसमें आपकी हो सकता है कोई जिम्मेदारी आपको मिल जाए, या आपको एक नई चीज़ करना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक लीडरशिप टाइप की आपको एक अथॉरिटी मिल सकती है, या आपके जो सीनियर्स हैं आपके मशवरे के जरिए वो आपका आगे की तरफ काम बढ़ा सकते हैं। कुछ हो सकता है रूहानी सफ़र या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या भी आपकी बढ़ जाए। अगर आपकी हेल्थ कमज़ोर चल रही है, ख़ासतौर पर कोई लंग्स का या चेस्ट का या लोअर लेग्स का या सर्वाइकल का अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है, या आपका यूरिन में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। और आपका मतलब ये आपकी एक इनर एनर्जी भी आपको अपने अंदर महसूस होगी। आपके नर्वस सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर जो आपका एक रेस्टलेस हुए में, उसमें आपको रिलैक्स होते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। काम के मामलात में ये भी हो सकता है कि आपका, जिसे कहते हैं ना कि कोई किसी के साथ मिलकर कोई काम करना या अपने काम से हटकर कोई काम करना, इस तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। वालिद की हेल्थ का आपको अभी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, वालिद की हेल्थ का और वालदा की हेल्थ का है, इन वालिद और वालदा की हेल्थ का, क्योंकि सैटर्न आपका एनिमी प्लानट है, वो 4th हाउस को देख रहा है। ये भी अभी इतनी अच्छी पोजिशन नहीं मानी जाती है। खैर, वीनस का ट्रांजिट मूव होगा तो उसके बाद अगस्त के 20 तारीख के बाद से कुछ आपको और रिलैक्स अपने वालदेन के मामले में देखना शुरू होगा। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामला में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है गलत मतलब गलत साइड पर जाना या गलत गैदरिंग में इन्वॉल्व होने की तरफ या कोई नेगेटिव लोगों की तरफ फोकस बढ़ सकता है, तो आपको अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खास तौर पे तालीमी मामलात में भी और सोशल मामलात में भी। आपको अपने थोड़ा सा ज़रा, मैं खैर वैसे तो आपका सन ट्रांजिट मूव कर रहा है, मगर जो सैटर्न 7th हाउस में चलता है तो थोड़ा सा ज़रा इंटेस्टाइन को आंतों को मतलब बड़ी आंतों को थोड़ा सा सख्ती में आता है, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक टाइप की प्रॉब्लम ये आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और आपको मैं एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और थोड़ा सा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या आप किसी भी मेल पर्सन को हफ्ते वाले दिन दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ, वर्गो वालों का अगस्त का मंथ कैसे जाने के इम्कान है। देखो, वर्गो वालों में खास कर आपको ये कहूँ, आपका लगन का मालिक 12वें घर में चल रहा है, आपके ऊपर कामों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होगी, मगर आपको इतना कोई खासा अच्छा रिजल्ट भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और दूसरी बात, हो सकता है कर्जों या हो सकता है आपके किसी के अगर तरफ आपके अगर कोई पैसे अटके में हैं तो वो थोड़ा सा मिलना आपको मुश्किल लग रहा होगा। दिमाग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुआ होगा, अगर सोते होंगे तो नींद सही नहीं आती होगी, क्योंकि 12वां घर आपकी नींद का भी है। आपके टांगों में मसल्स का पेन होना, या आपको जैसे होता है ना कि ऐसे चीज़ों से भी थोड़ा सा ज़रा दूर रहने की मशवरा दूंगा, कि जैसे कानूनी मामलात में किसी के मतलब लड़ाई में आपको टांग ना अड़ाएं, तो इस चीज़ों से आपको थोड़ा सा ज़रा बच के भी चलने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वही बात है, लगन का मालिक 12वें घर में चल रहा है, उसका एनिमी प्लानिट भी 12वें घर में चल रहा है, ये अच्छी पोजिशन नहीं मानी जाती। और 6ठे घर से सैटर्न बैठ कर 12वें घर को देख रहा है, तो 3 हिसाब से, और सॉरी, 8वें घर से बैठ के राहु भी आपके 12वें घर को देख रहा है, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। करीबी रिश्तेदारों में या करीबी
रिश्तेदारों में जो बड़े हैं उनका कोई डेथ की न्यूज़ सुनने को मिलना या कोई उनकी हेल्थ का इशू होना, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो खैर सदका मैं आपको बताऊंगा, वो ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके वालिद के अगर कोई मामला अटके में, ख़ास तौर पे कोई ज़मीनी मामला, कोई कानूनी मामला, तो उसमें कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर कोई प्रोफेशनल चेंजिंग करना चाहता तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा ज़रा वेट करें, आपका लगन का मालिक बहुत मजबूत पोजिशन पर आने वाला है, इसी मंथ आएगा, इसी मंथ के 20 तारीख के बाद से आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। और ख़ास मैं आपको बताऊँ, गाड़ी या बाइक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलों में अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो बहस से थोड़ा परहेज कीजिएगा, वरना इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। बच्चों की तालीमी मामलों में भी फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद भी, अगर आप विरगो, मतलब विरगो वालों के बच्चों को हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर विरगो वाले खुद भी अगर आपको आप लोग तालीमी मामलों में तो फोकस करके चलिएगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर होगा, क्योंकि फिर वही बात है, जो बड़े प्लानिटरी पोजिशन है वो थोड़ी कमज़ोर पोजिशन में चल रहे हैं। और ऐसे स्पाइसी फूड से थोड़ा सा ज़रा परहेज कीजिएगा, वरना आपके हो सकता है कोई इन्फेक्शन, मतलब एब्डोमिनल इन्फेक्शन कह लें या आपके यूरिन इन्फेक्शन कह लें, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा खाने पीने में भी आपको एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और आपको मैं रेमेडी कहूँगा ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो बुध वाले दिन आपको हरे रंग की कोई सब्ज़ी आप किसी मुस्तैद इंसान को दें, और सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, काली माश की दाल और सरसों का तेल, और हो सकते हैं ये दोनों तो आपको मेल पर्सन को ये भी सदका देना है, मतलब काली माश की दाल और सरसों का तेल। और छोटी सी मैं आपको एक रेमेडी कहूँगा, अगर एक सुरमे का पत्थर अगर आपको मिल जाए तो अपने सर पर और पेट पे फेर के इसको किसी वीरान जगह पे फेंक दीजिएगा, ये मैलिफिक राहू के असरात को कम करती है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आऊँगा, लिब्रा वालों का 2023 अगस्त का मंथ कैसे जाने के इम्कान है। लिब्रा वालों को मैं अगर आपको खास बात कहूँ कि आपके जो हेल्थ का थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रखने के चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आपको अपने पेट का, और आपको अपने थोड़ा सा ज़रा डिप्रेशन सा आपको फील हो सकता है, क्योंकि आपका लगन का मालिक कंबस भी चल रहा है और रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। तो थोड़ा जब जाहिर बात है लगन का मालिक का मतलब कि आप खुद रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है और वो कंबस सूरज की रोशनी में उसने उसको छुपा ली है, तो इसकी वजह से आपको अपने हेल्थ के मामला में बहुत ज़्यादा ख्याल रख के ज़रूरत चलने की ज़रूरत है। और अगर प्रोफेशनल मामला में भी अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, या प्रोफेशनल मामला में आप मतलब होता है ना कि कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अभी ज़रा सा रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए बेहतर है। बच्चों के मामला में अगर लिब्रा वालों के बच्चे हैं तो उनकी अपनी तालीमी मामला में, उनके हेल्थ के मामला में भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चोट लगना या तालीमी मामला से थोड़ा सा ज़रा दिल का उचाट होना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं या आपकी कोई मोहब्बत चल रही है तो हो सकता है वो आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाए, मोहब्बत शादी में कन्वर्ट हो जाए, मोहब्बत के मामला में आपको कुछ कामयाबी देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि अगला ट्रांजिट सन जो है वो अपने घर में आ रहा है इसी मंथ के, मतलब 18 तारीख के बाद ये सन भी ट्रांजिट मूव कर लेगा, तो 5वें घर को देखेगा। आपके मोहब्बत के मामलों में और आपके बच्चों के तालीमी मामलों में भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर ये 18 से पहले पहले थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिएगा। वालदा की हेल्थ में भी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर 18 तारीख के बाद अभी ज़रा से ज़रा कमज़ोर पोजिशन चल रही है। ये वो पोजिशन चल रही है सन और वीनस की 10वें घर में, ये आपकी अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा तरह कमज़ोर करता है, आपके वालदेन की हेल्थ को भी कमज़ोर करता है, हो सकता है करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी हेल्थ में भी कोई बड़ा, कोई जैसे कहते हैं ना, कोई बैड न्यूज़ टाइप की सुनने को मिल सकती है। तो खैर मैं आपको सदका कहूँगा ज़रूर दीजिएगा, गुस्सा आपका कुछ हद तक कम हो सकता है 20 तारीख के बाद से, इसमें भी आपके बेहतर इम्कान आते हैं। अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं या कोई बड़ी लेन देन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड, तो कोशिश करिएगा इसको भी 20 तारीख के बाद अगर आप करेंगे, 20 अगस्त के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। रेमेडी मैं आपको कहूँगा एक करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, जुम्मे वाले दिन हो सके तो आप कोई मीठे रंग की, जैसे सफ़ेद रंग की कोई मिठाई होती है आप वो किसी को दे सकते हैं, या वाइट कलर की जो स्वीट्स होती हैं, टॉफीज होती हैं, वो आप किसी को दे सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर किसी फीमेल को देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, परफ्यूम देना या कोई इतर टाइप की जो चीज़ होती है ये आप किसी फीमेल को देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीनस की नेगेटिव एनर्जी जो आप लोगों के ऊपर पड़ रही है ये आपको बेहतर, ताकि आपको रिजल्ट देखने को मिले। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ, स्कॉर्पियो वालों का अगस्त का मंथ कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को मैं खास अगर आपको ये बताऊँ कि आपका लगन का मालिक माना 10वें घर में चल रहा है, मगर सैटर्न 4थे घर में चल रहा है, ढैया की पोजिशन होती है, दिखता कुछ है होता कुछ है और मिलता कुछ है, ये वो पोजीशन होती है।
आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। आपके जो मुखालिफिन हैं वो पीठ पीछे अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि आपकी जो पोजिशन है, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको जेलेसी कह लें या आपकी पर्सनैलिटी से जेलेसी जेलेस होना कह लें या आपके प्रोफेशनल मामला से जेलेस होना कह लें, आपकी पीठ पीछे बैक बाइट करना कह लें या आपको कुछ ना कुछ कानूनी मामला में कुछ उलझाने के हिसाब से कह लें, कोई ना कोई किसी ना किसी हिसाब से आपको कोई तंग करने के हिसाब से कह लें, तो ये थोड़ा सा ज़रा आपको अपने आप को भी बैलेंस होकर चलना है और थोड़ा सा ज़रा डिप्लोमेटिक वे में भी आपको चलने की ज़रूरत है। वालदेन में अगर मैं खास कहूँ, अपनी वालदा की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के चलने की ज़रूरत है। नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा ज़रा दबाव रहेगा, मगर 20 अगस्त के बाद से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका सन 10वें घर में आ रहा है। ये बहुत अच्छी पोजिशन है, आपको कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है, आपकी कोई अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका हो सकता है आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाए, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कुछ काफ़ी अर्से से, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट मतलब की हुई है उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ बेहतरी देखने को मिले। प्रोफेशनल मामलात में कोई पॉजिटिव आपको हलचल देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा सा ज़रा एहतियात से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वीनस जो है वो कंपस पोजिशन में चल रही है। तालीमी मामलात में कहूँगा आपको, खैर थोड़ा सा ज़रा वो टाइम लगेगा, अक्टूबर के बाद से ज़रा बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, मगर अभी फ़िलहाल राहु और गुरु का जो साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है तालीमी मामलात में थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम करता है, तो अपने तालीमी मामलात में भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अपने माइंड से मैंने पहले भी आपको कहा है और अभी भी मैं कहूँगा कि अपने माइंड से आप फैसला करें, अपने आप को देख के करें, किसी की बातों में ना करें। वो आपको 80% हो सकता है वो या तो वो अपना फ़ायदा या आपको जेलेसी की वजह से या आपको एक होता है ना कि फजूल में चिड़ रखने की वजह से आपको कोई गलत मशवरा दे सकता है, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपके करीब करीब हो, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। उल्टी आँख उल्टी टांग उल्टे हाथ का आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। लेफ्ट आई आपकी थोड़ी सी तरह वीक हो सकती है, उल्टी टांग में कोई चोट लग सकती है, और कानूनी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रख के चलने की ज़रूरत है। खैर 20 अगस्त के बाद से कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, जो मगर मैंने बड़ी चीज़ें कही हैं इसमें आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी एकदम कोई अग्रेसिवली आप स्टेप ना उठाएं तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा। एक तो आपको हफ्ते वाले दिन तिनकों वाली झाड़ू आपने देखी होगी जो होती है, वो अपने आप टांगों पे नई झाड़ू लेके वो टांगों पे फेर के किसी भी आप स्वीपर को हफ्ते वाले दिन दे दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, हफ्ते वाले दिन काली मांस की दाल और सरसों का तेल किसी भी मेल पर्सन को आप दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने के कारण। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें।